किसी परिलोक और ख्वाबों की दुनिया जैसी ये तस्वीरें वो सुर्ख सफेद हकीकत है जो इन दिनों चीन में दिखाई दे रही है। चीन के झिंजियांग प्रांत में पिछले कई दिनों से आसमान से बर्फ बरस रही है, जिसके बाद इस गांव की तस्वीर ऐसी बन गई है जैसे किसी कलाकार ने कैनवस पर अपनी कल्पना उतार दी। गांव के हर घर, हर छत और तमाम गलियों, सड़कों और मैदानों पर बर्फ का राज हो चुका है। इस इलाके में 7 महीने तक बर्फ का ही मौसम रहता है। ऐसी लुभावनी और हैरतअंगेज तस्वीर देखने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक इस गांव की ओर दौड़े चले आते हैं। चीन के ही हाबिन शहर में सर्द मौसम और बर्फबारी के बीच आइस एंड स्नो फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ एक पूरा बर्फ का शहर ही बसा दिया गया है, जहाँ मकानों से लेकर बाजार और सड़कें भी बर्फ से बनाई गई है। बर्फ की इस खूबसूरत कलाकारी को रोशनियों से नहला दिया गया है, जिससे यहाँ की तस्वीर भी किसी ख्वाब की दुनिया की तरह दिख रही है। इस फेस्टिवल का लुफ्त उठाने के लिए चीन के तमाम इलाकों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए ये जगह किसी जादू से कम नहीं। चीन के बाद दुनिया के दूसरे छोर यानी यूरोप की तस्वीरें देखिए। जर्मनी के कई इलाके भी बर्फबारी की आगोश में हैं। म्यूनिख में तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, पूरा शहर छक सफेद पड़ चुका है। गाड़ियां, मकान, बाजार, सब कुछ बर्फ से ढक चुके हैं। सड़क पर पड़ी बर्फ को मशीनों से हटाया जा रहा है। गाड़ियों और मकानों से बर्फ हटाने में लोगों का पूरा दिन बीत जा रहा है। खराब मौसम की वजह से 120 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। सड़कों पर भी बर्फबारी के साथ गहरे कुहासे का असर है, लिहाजा लोग बेहद संभल कर गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन ऐसे मौसम में भी बच्चे बाहर निकलकर मौज मस्ती करने में झिझक नहीं रहे।